देखिए तो सबसे आगे बड़ा धनी महाधनी बताया, साधना काल का 12 वर्ष समरेंद्र की तरह 42 का पावन प्रवास संपन्न कर भगवान सुषुम्नार पधारे। वहां अशोक वृक्ष के नीचे ज्ञानदूत हो गए। भगवान बेले बेले की तपस्या कर रहे थे। उस समय असुरों की राजधानी समर संचय में पूर्ण बाल तपस्वी का जीव इंद्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसने अपनी ज्ञान से अपने ऊपर शकेंद्र को दिव्य भोग भोग के देखा। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया। तब समाहित इंद्रों ने बताया, शकेंद्र सदा इसी स्थान का उपयोग करते आया है। इतने पर ही समेंद्र को संतोष नहीं हुआ। शकेंद्र के सिद्धि विनष्ट करने के हेतु और भगवान के पास आया और बोला, मैं आपकी शरण लेकर शक्कर की शोभा को समाप्त करने जा रहा हूँ। वह व्यक्ति रूप बनाकर शकेंद्र की राज्यसभा में आया और उनको ललकारते हुए देवलोक की शोभा को खत्म करने की बात करने लगा। इस पर शकेंद्र अति कुपित हो गए और उन्होंने उसे मारने के लिए तीव्र वज्र फेंका। बिजली के स्फुलिंगों को उछालता हुआ वह वज्र ज्यों ही आगे बढ़ा, ससुरराज भयभीत होकर नीचे से सिर पर ऊपर नीचे सिर पैर ऊपर भाग गया और भगवान के चरणों के बीच में गिर पड़ा। शकेंद्र को इतना में चिंतन आया, शर्मेंद्र की इतनी ताकत नहीं कि वह स्वयं ऊपर आ जाए। विचार करते हुए अपनी ज्ञान से बता हमने पता चला, ये तो भगवान महावीर की शरण लेकर आया है, वही इससे भगवान को कष्ट न हो जाए। इस चिंतन के साथ इंद्र तीव्र गति से दौड़े और भगवान के 4 अंगुल दूर अपने वज्र को पकड़ लिया। भगवान के शरणागत बनने से शकेंद्र ने शर्मेंद्र को क्षमा कर दिया और वे भगवान को वंदना कर प्रस्थान कर दिए। महाशक्ति संगम बालक के बारे में, भगवान महावीर के साधु संघ में 33,000 साधुएं थी। उन सबकी अग्नि का नाम था चंदन माला। माँ सती माला का शादीपूर्ण जीवन बहुत ही रोमांचक है, जो इस प्रकार है। चंपा नगरी के महाराज नदीवाहन की महारानी का नाम था दाहिणी और पुत्र का नाम था चंदन माला। चंदन माला अपने पिता को बेहद प्यारी थी। अकस्मात महाराज नदीवान पर कौशंबी के महाराज सतानिक ने आक्रमण कर दिया। नदीवान ने व्यर्थ का रक्त बहाना उचित नहीं समझा और सतानिक से युद्ध किए बिना ही स्वयं वन की ओर चले गए। सतानिक की सेना ने बेरोकटोक नगर को लूटना शुरू कर दिया। लूट खसोट में एक सैनिक दाहिणी और चंदन माला को ईर्ष्या ले गए। उस नर पिशाच ने ज्यों ही दाहिणी का शील लूटना चाहा, त्यों ही दाहिणी ने अपने जीप खींचकर शील रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उसे मरा देखकर चंदन माला का दुख होना स्वाभाविक होता। इधर उस सैनिक की भावना में भी मोर आया। चंदन माला को अपनी पुत्री मानता हुआ घर ले गया। घर पर सैनिक की पत्नी ने जब देखा चंपा नगरी की लूट में उसका पति धनमाल कुछ नहीं लाकर एक कन्या को लाया है, तब उसे आशंका हुई। कुछ दिन बाद वह यह उसे अपने पति ने बता दे। इसी आशंका से उसने अपने पति को कड़े शब्दों में कहा, मुझे जल्दी से जल्दी अभी बाजार में बेच इसे जल्दी जल्दी अपने बाजार बेच कर आओ और उससे जो कुछ काम होता है वो लेके आओ। सैनिक घबराया हुआ कौशंबी के बाजार में गया और उससे 100 मुहरों में 1 सेठ को बेच दिया। वहाँ की वेश्या को जब पता चला तब उसने वो उसके रूप लावण्य को देखकर मुंह मांगी कीमत में खरीद लिया। चंदन माला वेश्या के साथ जा रही थी। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वहाँ मेरा शील सुरक्षित नहीं है, तब उसने वेश्या के सामने अपनी स्त्री साफ कर रखी कि भला वेश्या ऐसे कब मानने वाली थी। वेश्या ने उसे एक भद्र प्रकृति के सेठ जैन सावक सेठ धनावा को बेच दिया। अब वह सेठ ने कि यहाँ छोटे छोटे काम भी कबूत अपने कर दी। शेर का उसे बहुत प्यार मिला, फिर भी उसने अपना दुख शेर के सामने कभी नहीं रखा। मन ही मन दुख समेटे शेर के यहाँ अपने दिन काट रही थी, लेकिन दुखों का अंत आ गया वो ऐसा नहीं रहा। चेतन के मन में वहम था कि भूत बोलने लगा कि हो न हो शेर जी से अपनी पत्नी बनाएंगे तब मेरा निरंतर अपना अपमान अवश्य होगा, हो सकता है मुझे इस घर से निकाल भी दे। एक दिन वह शेर के पांव धो रही थी, उसके मुंह पर आए केस को शेर ने संभाल कर उसकी पीठ पर रख दिया। अब तो शैतानी को विश्वास पक्का हो गया कि वह इस व्याधि का मूल काटने पर उत्तर हुए हो गए हैं। एक दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब शेर देहात के कार्यों करने चला गया और 3 दिन तक नहीं आने का कह कर गया तो शैतानी को मौका मिल गया। इस मौके का लाभ उठाते हुए शैतान ने चंदनबाला के सारे केस उतार दिए, सिर में घाव दिए, हाथों में हथकड़ी और पैरों में पीढ़ी डालकर घर के तहखाने में डालकर अपने पीठ चली गई। तीसरे दिन जब शेख आया तो उसने मकान को बंद देखा, आसपास घूमता हुआ चंदना चंदना पुकारने लगा। तहखाने में दुखों से व्याकुल बनी चंदना ने जब सुना तब उसने वहीं से आवाज दी,
शेख ने उसे तहखान से निकाला और सारी स्थिति देख मचकर रह गया। उसने दुखी दुखी स्वर में कहा, चंदा तेरी ये दशा किसने की? चंदा ने देहरी धान कर कहा, पिताजी किसी का भी दोष नहीं है, ये सारा मेरे कर्मों का दोष है, आप मुझे कुछ खाने को दीजिए। शेख ने उबले हुए उड़द वहीं पड़े देख कर एक सूप के कोने में डालकर उसे दे दिए और स्वयं हथकड़ी बेड़ी तोड़ने के लिए लुहार को बुलाने गया। चंदा का उद्धार हुआ। उधर सुषुम्ना से विचित्र हुए भगवान कौशल्य बधारे। पोष कृष्णा एकम को भगवान ने तेरह बेलों का कठिन अभिग्रह स्वीकार किया। तेरह बेले स्वीकार दे, राजकन्या बाजार में बिकी हुई सिर मुंडित। बोलो बोलो तेरा बोलो ते बोलो तेरा बोल तेरे बोल स्वीकार कितने बोल की मैंने अभिग्रह लिया, मैं तेरे बोल पूरे होंगे तभी मैं पान करूंगा, पान नहीं करूंगा। तो तेरे बोल स्वीकार दे, राजकन्या बाजार में बेची हुई सिर मुंडित, सिर में घाव, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, तीन दिन की भूखी भोरे में हो, आधा दिन बिताने के बाद एक पैर रैली में और एक उसके बाहर सूट के कोने में कुरत के बाकरे आंखों में आंसू, इन तेरे बोल रूप अभिग्रह धारण कर भगवान नदी में भिक्षा के लिए घूमे, परंतु अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ। भगवान भोजन के लिए बिना लौटे आए। इस तरह प्रतिदिन भगवान भिक्षा के लिए भोजन के लिए जाते, लेकिन अभिग्रह पूरा नहीं हुआ। पूरी नगरी में चर्चा हो गई कि हमारे ऐसी क्या भूल हो गई जब भगवान बिना कुछ लिए ही लौट रहे हैं। इस तरह चार मास बीत गए। एकदा महावीर महात्म्य सुगुप्त के घर पधारे। माँ मात्य की पत्नी नंदा जो समणवासी का थी, फरवरी पोषद लेने वाले भाई बहन 12 बजे से 5 मिनट पूर्व इधर अपना पोस्ता पचक कर 12 बजे से 5 मिनट पूर्व। महामात्य की पत्नी नंदा जो समणवासी थी शुभ भावना के साथ आहार देने के लिए समुष्ट हुई। अभिग्रह पूर्ण होने से भगवान भिक्षा ग्रहण किए बिना ही वापस चले गए। इस पर नंदा को बहुत मानसिक दुख हुआ। दासियों ने बताया कि ये तो प्रतिदिन ऐसे आकर लौट देते हैं। नंदा ने अपने पति महामात्मा के सामने चिंता प्रकट की। महारानी मृगावती को जब इसकी अवगति मिली तो उसने महाराज सतानी को भी बताने का कहा, कुछ भी पता नहीं चला। भगवान के अभिग्रह को 5 महीने संपन्न हो गए। छठा महीना पूरा होने में 5 दिन शेष थे। हमेशा की बात ही भगवान भिक्षा ग्रहण करते हुए चन्नाबा शेर के घर पहुंचे। चन्ना ने ज्यों ही तरण तान की आवाज भगवान मामी को देखा, उसके वजन खिल उठा, वो सारा दुख भूल गई। उसने भिक्षा देने के लिए प्रार्थना की। मावी ने अपने अभिग्रह के बोलों का पर ध्यान दिया। तेरे बोलों में से शेष सारे बोल मिल गए, मात्र आंखों में आंसू नहीं थे। ये एक बोल पूरा न होने से भगवान बिना भिक्षा लिए ही आगे बढ़े। ये देख चंदा की आंखों में आंसू भर गए। वह बोली, राज्य गया, पिता का वियोग हुआ, माता मर गई, मुझे बाजार में गया, सेठानी मुल्ला ने मेरी ये दशा की, इन सबका मुझे अफसोस नहीं है, परंतु आप ही आज मुझे यों छोड़ जा रहे हैं कि मेरा कौन होगा। ये कहते कहते चंदा की आंखों में आंसू आ गए। महावीर ने मुड़कर देखा, सभी बोल मिल गए, अभिग्रह पूरा हुआ। महावीर चंदा के हाथ से भिक्षा ग्रहण की। देवों ने पंच दिव्य प्रकट किया। देव दुदुमी बजी, चंदा की हथकड़ी और बेड़ी आभूषण बन गई और वह अपने मूल रूप में आ गई। यही चंदा भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम शिष्या व साधु समाज की प्रवर्तनी बनी। कौशंबी से प्रस्थान कर भगवान महावीर सुमंगल सुचेता पालक आदि क्षेत्रों में विचित हुए। संपन्न नगरी पधारे। वहाँ स्वातिक या यज्ञशाला में चतुर्मास तप के साथ चतुर्मास किया। भगवान की साधना से प्रभावित होकर पूर्ण भद्र और मणिपद्र नामक दो यक्ष रात्रि में भगवान की सेवा व भक्ति करने लगे। स्वातिक दत्त को जब यह जानकारी हुई तो वे कोई विशिष्ट ज्ञानी है। उसने भगवान से कई प्रश्न पूछे, आत्मा क्या है, प्रत्यक्षण किसे कहते हैं इत्यादि उनके प्रश्न को भगवान ने भ्रमित किया। साधना काल का 13 वर्ष केवल ज्ञान का वर्ष है। भीषण उपसर्गों और परिश्रम व कष्टों को सहते हुए भगवान महावीर ज्ञान अंतपस्या के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए भीषण कर रहे थे। विचरते विचरते प्रभु जम्बे ग्राम के बाहर पधारे। माँ रिजुबाला नदी के किनारे श्यामक वेदावती श्यामक गाथापति के खेत के में साल वृक्ष के नीचे ध्यानुर हो गए। बेले का तप, बुद्धाई का आसन, वैशाख शुक्ला दशमी दिन का अंतिम प्रहर, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र, शपथ कहने का आरोहण, शुक्ल ध्यान का द्वितीय शरण, शुभ भाव,
शुभ अध्यावसाय भगवान ने बारह गुणस्थान में मौन कर्म का समूल नाश किया। अवशिष्ट तीन घाती कर्म ज्ञानवन्य कर्म दक्षिणावन्य कर्म अंतर कर्म का श्रेय कर तेरहवें गुणस्थान में केवल ज्ञान और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। मूर्त और मूर्त सभी प्रजाओं को भगवान देखने लगे। इसके आगे बारे में आगे बताएंगे, पसंद बताएंगे। भगवान की स्तुति चल रही है, हमारे परम प्रभु ईश्वर भगवान मानवता के मसीहा को मुक्ति बनाने वाले, आज उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। जब प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भुवन भास्कर की तरह इस सारी दुनिया के अंदर एक प्रकाश होता है और नारकीय के जीवों को शांति मिलती है, सुख मिलता है। और केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान एक ही जीव संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने भूत भविष्य वर्तमान जीव अजीव सबकी हर दशा को जानने वाले प्रभु हाजिर हो जाते हैं। कोई शंका किसी भी जीव को नहीं रहती है, सबका समाधान होता है। अब प्रभु किस तरीके से 30 वर्ष तक प्रभु का जो है ये साधना काल था वो 12 वर्ष और 13 पक्ष का था। अब प्रभु 29 वर्ष 13 पक्ष कम प्रभु की कुल आयु 72 वर्ष की थी। 30 वर्ष उन्होंने जो है गृहस्थ काल भोगा और 12.5 वर्ष जो है वह अपना साधना काल रहा और 29 वर्ष जो है ये भगवान का सारा लेखा जोखा मैं प्रस्तुत करता जाऊंगा और साथ साथ में आपको हर चीज के लिए प्रेरणा देता जाऊंगा कि भगवान किस तरीके से पापियों का उद्धार करते हैं। जड़ी लगती है कि जब हमारा श्रावण भादो का महीना आता है, बरसात की झड़ी लगती है, पेड़ पौधे मुस्कुराने लगते हैं, नए नए फूल आते हैं, कोपले आती है और सारा वातावरण मुदित होता है। प्रभु के केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में किस तरीके से जीव जैसे कि हम जो है तपस्या की थोड़ी उस समय में किस तरीके से 12 व्रति और दीक्षा लेकर करके सीधे मोक्ष जाते हैं, क्योंकि वह समय अतिशय का समय होता है, प्रभु का प्रभाव होता है, समय का प्रभाव होता है और उन जीवों के कर्म झड़ने का समय आता है। एक 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 करके प्रभु के सामने किस तरीके से लोग मोक्ष जाते हैं, लोग 12 व्रति श्रावक बन करके देवलोक जाते हैं, ये सारा विवरण इसीलिए बताया जाता है कि हमें भी कुछ मिले, हम भी कुछ प्राप्त करें। जब हमको अच्छी शिक्षा मिलती है तो हम ग्रहण करते हैं। तो देखिए प्रभु केवल ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञानी होकर तीर्थंकर प्रभु देश ना देते हैं। प्रभु ने देश ना दी, प्रवचन दिया, लेकिन और देवों की तो ड्यूटी होती है, हर पंच कल्याणक में देव लोग आते, देवता लोग आते हैं। जैसे कोई मंत्री आ गया, बड़ा अधिकारी आ गया, पुलिस वालों की डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ड्यूटी होती है, वो तो आते ही हैं। देवतागण मौजूद थे जब प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, देश ना चल रही थी, लेकिन हमारे जैसे श्रावक श्राविका मनुष्य स्त्री पुरुष नहीं थे तो पहली देश ना खाली गई, चतुर्वेद धर्म संघ की स्थापना नहीं हुई। अब आप देखिए बड़ा रोचक जो विषय है कि भगवान जंबीय ग्राम जहां पर उनको केवल ज्ञान हुआ वहां से विहार कर मध्यम पावा पदारे। ये सब स्थान कहाँ है? आप लोगों में से काफी परिवार बिहार में रहे हुए, उन स्थानों की तरफ नजर घुमाइए। ये सारे स्थान प्राय
बिहार प्रांत के अंदर है, आज भी वो स्थान मौजूद है, नाम बदल गए हो बात अलग है। तो देखिए वहां पर क्या होता है, एक सोमिल नाम का ब्राह्मण बहुत ही बड़ा विशाल यज्ञ करता है। सनातन परंपरा में यज्ञ करने की प्रथा है और बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा देवों को आहूत किया जाता है, देवों को प्रसन्न किया जाता है। सनातन परंपरा में अधिकतम मुक्ति देव योनि तक ही है, जिसको वो वैकुंठ कहते हैं। अपनी अपनी मान्यता है, हमारी मुक्ति संपूर्ण कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की है, और हमारी आत्मा उन्हें जब मुक्ति को प्राप्त हो जाती तो इस ब्रह्मांड में नहीं आती। सनातन धर्म के अंदर तो देव जो है देवता योनि है, उनका ये परिभाषा अलग है। यज्ञ किया गया, सोमिल ब्राह्मण ने महापंडितों को बुलाया, 11 महापंडित स्पेशलाइज पर्सन जो थे यज्ञ के, वहां वहां वो हाजिर हुए। उनमें कौन थे, इंद्रभूति अग्निभूति सब ब्राह्मण थे, वायुभूति व्यक्त सुधर्म मंडित और मौर्य पुत्र अकंपित अचल भ्राता मैतार्य प्रभाष, सभी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का युग्य था। और उधर से प्रभु विराजमान थे, प्रभु को केवल ज्ञान हो गया था, देवों के झुंड जा रहे थे और तेज रत्नों की तरह प्रकाश हो रहा था। सोमिल ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, मेरा यज्ञ सफल हो रहा है, ये सारा झुंड हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन उनको निराशा हुई कि झुंड तो हमारी तरफ नहीं रुक करके, ये देवों का उनको पता नहीं देव है कौन है, ये रत्न जड़ित इतना प्रकाशित जो है ऊपर वायुयान की तरह जा रहे हैं, तो वो आगे प्रभु के पास जा रहे थे। तो अब क्या होता है देखिए, ये धीरे धीरे करके ये जो एक्सपर्ट है ये जाते हैं और देखने, वो चैलेंज देने जाते हैं कि कोई इंद्रजाली आया है और उनकी तरफ ये झुंड जा रहा है। तो सबसे पहले इंद्रभूति गौतम सबसे सीनियर था, सबसे बड़ा एक्सपर्ट था यज्ञ का, वो गया कि मैं उनको पराजित करके आता हूं। पहुंचते ही प्रभु ने कहा, इंद्रभूति तुम आ गए, वो सब पका गया, मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कौन नहीं जानता, शायद मुझे जानते होंगे। फिर प्रभु ने कहा, इंद्रभूति तेरे जो है सबसे बड़ा तेरे मन में संशय है कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, ये तो अस्तित्व आप ये शंका लिए घूम रहा है। और वह शंका उसको कसोट रही थी, प्रभु के सामने समर्पण किया और उसके साथ साथ में 500 शिष्यों के साथ जो है इंद्रभूति ने दीक्षा ग्रहण की और प्रभु ने प्रवचन देकर के आत्मा के अस्तित्व के बारे में उसका सारा संशय दूर हुआ। और प्रभु को एक साथ 501 शिष्य उनको मिले, दीक्षित हुए। ये सारा वर्णन आगमों में आता है, मैं उसके वर्णन में नहीं जाता हूँ। तो अब देखिए, थोड़ा सा इंद्रभूति ब्राह्मण थे जो बाद में गौतम गणधर बने। ये एक एक करके 11 ब्राह्मण प्रभु को चैलेंज देने जा रहे हैं और धीरे धीरे समर्पित होकर के दीक्षित होते हैं। खास तौर से उनका संशय क्या, उस पर प्रकाश डालूंगा। उस संशय को दूर होने के बाद वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस संशय के कारण वो अटके हुए हैं, उसका समाधान चाहते हैं। और भगवान को सबका समाधान देते हैं,
प्रभु से बढ़ के इस दुनिया में कोई समाधान देने वाला नहीं होता है। और जब हमको आचार्य महाश्रवण जी हमारे भीतर जो प्रश्न कसोट रहा होता है समाधान मिलता है तो शायद हमको सम्यक दर्शन भी आ जाए। कोई चीज अटकी हुई होती है जब वो समाधान प्राप्त हो जाता है तो हमको एक दिशा मिल जाती है, वो दिशा सम्यक दर्शन के रूप में भी मिल सकती है। तो देखिए कि ये भगवान महावीर से 8 वर्ष बड़े थे इंद्रपुत्र गौतम, 80 वर्ष में उनको कैवल्य प्राप्त हुआ। 80 वर्ष की उम्र में भगवान को 72 वर्ष में प्राप्त हुआ और भगवान के बाद में 12 वर्ष तक वो केवल ज्ञानी रहे कि भगवान को रात्रि के अंदर जब केवल ज्ञान हुआ और ये आलाप करने लगे तो पश्चिम रात्रि को इनको भी केवल ज्ञान हो गया। जब भगवान सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए थे, आत्मा का अस्तित्व इन्हीं अस्तित्व के माध्यम से प्रभु अब देशना दे रहे हैं। अब हियर लाइज द पॉइंट कि हमारे आगम कहां से बने, इस देशना से आगम बने। और इन ग्रंथों ने उन भगवान के जो प्रवचन है, पहले ये नहीं थी पुस्तकें, कलम नहीं थे, वो गणधर भगवान के उपदेशों को अपने धारण करते थे, गुंफित करते थे, अपने दिमाग में स्टोर करते थे। आत्मा के अस्तित्व को इस 500 जो शिष्यों के साथ गणधर गौतम ने गुंफित किया और ठीक इसी तरह से वापस लौटा नहीं देखा तो उसका दूसरा भाई अग्निभूति गया। ये प्रोसेस मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ। तो उनको भगवान ने यही बात कही, इंद्रभूति तुम आ गए। उनके मन में संशय था कि कर्म है या नहीं। मुख्य बात जो समझने की है वो आप एक एक समझते जाइए कि आदमों में ये बातें कहाँ से आई आत्मा की, और कर्म की बात कहाँ से आई, कर्म क्या है, कर्म बंधन क्या है, छूटना का कारण है, ये सब प्रभु की देशना जो गणधरों को खास तौर से दी। प्रभु ने 30 वर्ष तक देशना दी लेकिन गणधरों को उन्हें दीक्षित करना था। दूसरे संप्रदाय के थे, अपने संप्रदाय को बढ़ाना था, तो इस कारण उन्होंने विस्तार से प्रवचन दिया। और वही जब गणधरों ने धारण किया तो वही आगम बने। तो आप इस चीज को जरूर अंडरलाइन करें कि उसको कर्म है या नहीं संशय दूर हुआ, और वो भी 500 शिष्यों के साथ में समर्पित हुए अग्निभूति। अब तीसरे गणधर वायुभूति, ठीक इसी तरीके से उनके संशय था तजवीज सचरीरवाद, ये अन्य अन्य धर्मों के बारे में है कि दुनिया में इतने तरह के धर्म हैं जो हम पालन कर रहे हैं, ये अनेक अनेक धर्म हैं, अनेक अनेक धर्म को पालन करने वाले लोग सभी मुक्ति को कैसे जाते हैं, वो एक कौन सा प्रकार होता है, वो ये पुण्य पाप और राग द्वेष से जुड़ा हुआ प्रकार भगवान ने प्रवचन में बताया। तो 43 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली जब भगवान के समक्ष उपस्थित थे, 10 वर्ष मुनि रहे, 18 वर्ष केवली रहे और 70 वर्ष में निर्वाण हुआ। हमारे 11 में से 9 गणधर प्रभु के रहते रहते सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। प्रभु रुके हुए थे, गणधरों को मोक्ष पहुंचाना था, हम जैसे पापियों को मोक्ष पहुंचाना था। और प्रभु के 30 वर्ष के काल में अनेक अनेक लोग मुक्ति गए। तब प्रभु को तिन्नाणम तार्याणम कहते हैं कि उन्होंने मोक्ष पहले हमको भेजा, बाद में वो मोक्ष गए। तीसरे गणधर व्यक्त 500 शिष्यों के साथ दीक्षा दी, वो प्रभु के पास दीक्षित हुए
51 वर्ष में थे, 12 वर्ष मुनि वर्ष मुनि धर्मपाला, 18 वर्ष देवली रहे और 80 वर्ष की आयु में प्रभु के रहस्य रहते निर्वाण हुआ। उन्होंने ये उनके मन में ये संशय था, पंचभूत है या नहीं, सनातन परंपरा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को पंचभूत मानती है, ये सनातन परंपरा से थे। भगवान ने षट जीव निकाय का सिद्धांत दिया इस प्रवचन के साथ, पंचभूत उसमें समाहित हुए। आगे गंधर्व पांच में गंधर्व सुधर्मा ये प्रभु के बाद निर्माण गए, प्रभु के 20 वर्ष बाद निर्माण हुए। हम सुधर्मा स्वामी का जो है मंगल पाठ में विवेचन देते हैं कि वो अंतिम केवली सुधर्मा स्वामी थे। 51 वर्ष में दीक्षा, 42 वर्ष मुनि रहे, 8 वर्ष केवली रहे, भगवान महावीर के 20 वर्ष बाद निर्माण हुआ। हमारे लिए काम की चीज क्या वो नोट करिए, इनको संशय था जन्मांतर के, ये जन्म कैसे होता है, अंतराल गति किस तरीके से जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, चार गतियों का विवरण, अंतराल गति और परम शरीर तेजस शरीर सब प्रभु ने विस्तार से बताया। जो आदमों में आया वही बातें गुरुदेव हमको बताते हैं, वही बातें साधु साध्वी आपको बताते हैं, और हमारे अज्ञानियों के पास जितना थोड़ा सा ज्ञान है हम भी वो बताने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़े, छठे गंधर्व मंडित पुत्र 350 शिष्यों के साथ दीक्षा, उनको संशय क्या था, हमारे काम की ये चीज है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बंध और मोक्ष ये नव तत्व वहां से आए, इनकी शंका से समाधान आया। आप कोई भी प्रश्न गुरु के सामने करोगे, हमारे सामने करोगे, तो हमको भी दिमाग को चल प्रश्न पूछते रहिए, साधु साधियों को, गुरुदेव को, ज्ञानियों को, अपने से बड़े तत्वज्ञों को प्रश्न पूछते रहिए। इसको प्रश्ना कहते हैं, पांच जो भेद है, प्रश्ना परिवर्तना धर्म कर्ता वाचना अनुप्रेक्षा, इनको करते रहिए, इससे आपका लक्ष्य जो सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करना है वह पुष्ट होगा। तो 16 वर्ष ये केवली रहे, 83 वर्ष की आयु में इनका निर्माण हुआ। और नवे गणधर मौर्य पुत्र, इनको क्या संशय था, देव और देवलोक, मैंने आपको इस गणधर के चैप्टर को रोचक कैसे बनाया, मैंने आपको बताया इनके प्रश्न क्या थे, उनकी जानकारी दी, उनको हाईलाइट करवाया, उनको अंडरलाइन करवाया, प्रभु ने उनका समाधान दिया, उससे हमारे आगम बने। देव और देवलोक के बारे में संशय क्लियर हुआ। 350 शिष्यों के साथ दीक्षा, 65 वर्ष की उम्र थी, 14 वर्ष मुनि व्रत पाला, 80 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान, 16 वर्ष केवली रहे और 95 वर्ष की उम्र में भगवान के जीवन काल में ही मोक्ष चले गए। 8वें गंधर अकंपित, इनका संशय था नरक और नारकीय जीव, ये नरक गति यहां यहां आई, 7 नारकीय वहां से हमको मालूम पड़ी, रत्न सर का बालू का पंख, धूम धमो महा अधो विस्तृता सप्त नारकीय, ये हमको प्राप्त हुआ वहां से, प्रभु ने बताया सारा और हमें भी उसकी जानकारी मिली, हमें इनके प्रश्नों से लाभ ये मिला कि हमें आगम प्राप्त हुए और वह कई वर्षों तक हमारे गणधरों ने, अंतिम गणधर ने जो हमारे सुधर्मा स्वामी ने कंठों में रखा ज्ञान को, नाम अंठा ज्ञान कंठा, हमारे पुरुष नौलिये बांध करके ऊंटों पर जाते थे दिशावर,
और उन नौलियों के अंदर तो धन संपत्ति जो चांदी के सिक्के थे उससे व्यापार होता था। पहले बैंकें नहीं थी, पहले पुस्तकें नहीं थी, कंठ में ज्ञान होता रहता था, चितालना होता रहता था, वही ज्ञान रहता था क्योंकि सिस्टम नहीं था। अब देखिए आगे चलते हैं। गणधर अचल भ्राता ब्राह्मण कुल में जन्मे, 300 शिष्यों के साथ दीक्षित और 47 वर्ष की आयु में दीक्षा, 49 वर्ष में केवल ज्ञान, 72 वर्ष में गुरुदेव प्रभु के रहते रहते मोक्ष पधार गए। पुण्य और पाप का संशय था सारे, एक एक सुंदर विषय हमको क्यों प्राप्त हुए, ये अटके हुए थे, ये यज्ञ तो कर रहे थे लेकिन बार बार ये संशय उनको खटक रहा था क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। उनकी परंपरा में प्रभु तीर्थंकर थे, प्रभु केवली थे, समाधान दिया और उनको दिशा मिली और सब लोग वह धीरे धीरे करके कल्याण कर रहे हैं। 10वें गंधर नैतार्य ब्राह्मण कुल 300 शिष्यों के साथ दीक्षित, संशय था परलोक है या नहीं। कई भाई बहन प्रश्न करते हैं कि हम इतनी धार्मिक क्रिया क्यों करें, प्रभु ने कहा यह लोक भी है परलोक भी है, परलोक को सुधारने के लिए धार्मिक प्रवृत्ति करो। उनका संशय दूर हुआ और वो 37 वर्ष आयु में साधुपन, 10 वर्ष सदमस्त, 47 वर्ष आयु में केवल ज्ञान, 16 वर्ष केवली, 62 वर्ष की उम्र में सिद्ध बुद्ध भुक्त हुए। और इसके बाद में अंतिम गंधर्व प्रभास 300 शिष्यों के साथ दीक्षित हुए, मोक्ष है या नहीं ये संशय प्रभु ने दूर किया, प्रवचन दिया, तब वो पूरा ग्रुप दीक्षित हुआ। 300 शिष्यों के साथ में दीक्षित और 16 वर्ष की आयु में संयम रत्न, 8 वर्ष सतमस्त, 25वें वर्ष में केवल ज्ञान और 6 वर्ष का केवली, 40 वर्ष उम्र में मोक्ष, 11 गंधर्वों में से 9 भगवान की मौजूदगी में निर्वाण, गौतम 12 वर्ष, सुधर्मा स्वामी 20 वर्ष तक निर्वाण को प्राप्त हुए। ये सारा विवरण है और प्रभु को एक साथ जो है वो 4211 शिष्य एक साथ प्राप्त हो गए, 4411 शिष्य एक साथ प्राप्त हुए, गणधर बने। और जो है उनकी जैसे चंदना की जीवी दीक्षा हुई और चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना हुई, साधु साध्वी सावक साविका, अब भगवान सही मायने में तीर्थंकर हो गए हैं।
अभी अभी हमारे दिन बताई है श्रीमती संपत के लिए शेयर किया, आप आगे आइए दर्शन के लिए। हमें पता ही नहीं है इनकी आधार की समस्या है। ओम आराम भगवान संपत मंदिर के लिए धर्मपत्नी है और ये एक 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 नंबर में रहते हैं। संपत मंदिर के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप यहाँ पे फार्म दे फार्म फिल करके हमें दे आपका नंबर दे, भवन में जो भी प्रोग्राम होंगे वो आप तक सूचनाएं पहुंचे। श्रीमती माया बापना के भी आज बोला है चला है निर्ला तेजा के भी आज पांच की तपस्या है और आगे करने का भाव है। ओम आराम तपस्वी बहनों के लिए अनुमोदन के लिए जोरदार ओम आराम। ओम आराम। अब मेरा आग्रह हो आठ पत्रण धन्यवाद गुरु से हो आए और अपना निधि का बहन आठ का प्रचार कर रही है और किसी के आज प्रचार करना हो आठ का प्रचार पहले एक एक लेते हैं, आठ का प्रचार और किसी के हो तो वो प्रचार ले सकते हैं। नमो रिंतानं नमो शिद्धानं नमो आर्यानं नमो ज्ञानं नमो लोय सत्सावनं ऐसो पंचमुखारो सब पाव फलात्मा मंगलानं के कर देते हैं। पद्मं हवई मंगलम गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के आदेश से आपका आनंद के साथ में जो है तपस्या करती रहे तो जो आपके धारणा परमाणु है कल सूर्योदय तक या जो भी आपकी धारणा है उसके अनुरूप आपके प्रत्याख्यान है। Thank you.
की सुंदर गीतिका इसी कड़ी में आगे श्रीमती वंदना वेद के अनुरोध करूंगा वो आए अपनी गीतिका। इसके बाद तैयार रहे पंडित जन्म के लिए खुद खुद ने किया प्रवास अपने
बहु की मधुर मिट्टी का वंदना के द्वारा आज श्रीमती सुशीला जी देवी एशिया के 15 का मौन है, उन पर भी इस मौन की अनुमोदना करें। ओमर ओमर खुद खुद एशिया प्रवास करेंगे। संतरी परिवार के एक सूचना बना करते हैं कि मां अभय संतरी प्रभु सर्वज्ञ हो गए। सर्वज्ञ से दुनिया की कोई चीज छुपी नहीं रहती है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अब देखिए इन 11 महापंडितों ने भगवान से त्रिपति का ज्ञान दिया। त्रिपति क्या होती है ये समझना चाहिए कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सतह, ये त्रिपति है। भगवान ने कहा कि उत्पाद व्यय ये हमारा पर्याय है और पर्याय के साथ साथ में द्रव्य होता है तब कोई वस्तु का अस्तित्व होता है,
चाहे वह आत्मा भी क्यों न हो। संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि देखिए ये त्रिपदी पूरे विश्व पे हर वस्तु पे लागू होती है। वो ज्ञान 11 गंधर्वों को दिया कि सोना है, सोने का बहिने कंगन को तुड़वा करके हार बनाया, उदाहरण दे रहा। तो कंगन का तोड़ा जाना ये व्यय हुआ, ये विनाश हुआ, और हार का बनना उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों स्थितियों में चाहे आप हार बेचने जाओ चाहे कंगन बेचने जाओ, वो सोने के पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि वो सोना। तो भगवान ने त्रिपदी का ज्ञान दिया, विश्व निर्माण का ज्ञान दिया कि हर वस्तु में उत्पाद होता है, व्यय होता है, यानी हर वस्तु विनाश को प्राप्त होती है, जन्मती है। लेकिन वह वस्तु कौन सी जड़ है तो भी जड़ तत्व नहीं जाएगा, और आत्मा है तो भी आत्मा तत्व दोनों स्थितियों में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमारे आत्मा को ज्ञान दर्शन युक्त क्यों कहा गया है, जबकि मोक्ष में जाने वाली आत्मा का तो मुख्य लक्षण ज्ञान, लक्षण ज्ञान ही होता है। लेकिन दर्शन भी साथ में न हो, वहां दर्शन ज्ञान जाके मिल जाते हैं तो उत्पाद व्यय नहीं होता है। कभी आत्मा ज्ञान में जाती है, कभी दर्शन में जाती है, लेकिन आत्मा अपना अस्तित्व बनाए रखती है। ये बहुत बड़ा ज्ञान इनको दिया, और इसी त्रिपदी में 14 पूरव का ज्ञान एवं द्वादशांगी 11 अंग और 12 उपांगों का पूरा ज्ञान का निचोड़ एब्स्ट्रैक्ट वह है त्रिपदी। वो भगवान ने इन गणधरों को दिया, और ये ज्ञान देने से वे गणधर कहलाए। गणधर की ड्यूटी होती है कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान अपने मस्तिष्क में रखे, कंठों में रखे, और वो तो केवल ज्ञानी होते हैं वो स्वयं भी, तो इसीलिए वो उनके बना ही रहता है हर समय। हम आगे बढ़ते हैं। राजकुमारी चंदन बाला आदि साध्वियां बनी, इससे चतुर्वेद धर्म संघ की स्थापना हो गई। अब भगवान चतुर्विध धर्म संघ के मालिक हो गए, तीर्थंकर हो गए। पहली देशना में वो तीर्थंकर तो भाव रूप से थे, द्रव्य रूप से नहीं बने, क्योंकि पहली देशना खाली गई और अब ये पूरी हुई तो भगवान विधिवत तीर्थंकर बन गए। देखिए भगवान के 30 वर्षों का साधना काल का मैं लेखा जोखा बड़ी रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करूंगा, साथ साथ ये बताता जाऊंगा कि आपको क्या लाभ है, ये सुनने से वैराग्य जगाता जाऊंगा। अब देखिए, और जब चातुर्मास संपन्न होने के बाद का पहला दिन शेष काल, और वापस प्रभु चातुर्मास संपन्न करते हैं, उस पीरियड को वो एक वर्ष का काल के रूप में कल्प सूत्र में वर्णित किया गया है। तो वो प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष, तृतीय वर्ष आप ऐसे समझें कि शेष काल का पहले दिन से लगा के चातुर्मास की संपन्नता का एक वर्ष। अब देखिए पहले वर्ष में इतना भारी काम हुआ, इतना बड़ा काम हुआ, 11 गणधर बने और चंदन बाला सहित साधियों ने दीक्षा ग्रहण की, चतुर्विध धर्म संघ जो है स्थापित हुआ, और बड़े प्रसिद्ध राजकुमार मेघ और नंदी शयन ने दीक्षा दी। अब देखिए दीक्षा का ताता, जैसे हम जो प्रत्याख्यान करते हैं वहां प्रत्याख्यान का रूप दीक्षा है,
प्रभु की वाणी में इतनी ताकत है, ओज है, वैराग्य जगा देते हैं और सामने वाला का भी पुण्योदय होता है कि वह प्रभु की वाणी के वैराग्य प्राप्त करके दीक्षित होते हैं। एक एक करके कैसे दीक्षित होते हैं, तो आप भी उस वैराग्य को जगाइए। प्रभु नहीं है लेकिन प्रभु की वाणी है, जिन वाणी को सुनकर वैराग्य जगाइए, इसीलिए पर्युषण पर्व आता है और इसीलिए प्रभु का जो 27 भाव, प्रभु का सांसारिक जीवन, प्रभु का दीक्षा कैवल्य और प्रभु का साधना कांड बताया जाता है। अब सर्वज्ञता का दूसरा वर्ष, साथ साथ चलते रहिए। प्रभु कहाँ से कहाँ विहार करते हैं, जो लोग बिहार में हैं थोड़ा बिहार की तरफ भी वितरण कीजिए। प्रभु कहाँ से कहाँ चले, बिहार में हमारे यहाँ की काफी लोगों की दुकानें हैं, वो इन स्थानों को जानते होंगे, उनकी हिस्ट्री सुनी होगी। प्रभु राज्य गृह आज भी मौजूद है, हम भी जाके आए, आप भी जाके आए होंगे। राज्य गृह चातुर्मास पूर्ण कर भगवान ब्राह्मण कुंड ग्राम में पधारे। कौन सा ब्राह्मण कुंड, जहां भगवान ने 83 रातें गुजारी। ब्राह्मणों का गांव, इस तट पे ब्राह्मणों का ग्राम ब्राह्मण कुंड, उस तट पे क्षत्रिय कुंड ग्राम क्षत्रियों का गांव। तो 83 रातें भगवान ने देवानंदा की कुक्षी में यहाँ गुजार के 84 रात में कृष्णा के गर्भ में आए। सारा विवरण आपने सुना, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। वही ब्राह्मण कुंड ग्राम ऋषभ दत्त व देवकी, दोनों ने भगवान के दर्शन, देवकी माँ थी, 83 रातों को पाला था, अपनी कोख में प्रभु को 83 रातों रखा, 14 स्वप्न को आते भी देखा और जाते भी देखा, क्योंकि प्रभु का जो संग्रहण हो गया था गर्भ का। देखिए क्या बड़ी घटना घटती है, देवकी के स्तंभों से दूध की धारा बह, माँ देवानंदा, देवानंदा के स्तनों से दूध की धारा बह निकली। तो गौतम ने जिज्ञासा की कि प्रभु ये कैसे हुआ, जिज्ञासा प्रस्तुत की, तब समाधान मिला कि हे गौतम, 83 रात ये मेरी माँ रह चुकी है, मैं इसकी कोख में रहा हूँ, तो मुझे देखकर माँ का ममत्व ज्यादा है और ये भाव व्यल हो गई है, तभी इसके स्तनों से दूध की धारा निकली है। अब देखिए प्रभु माता पिता से, हमारे भी जब कभी भी, तो अपने माता पिता को आचार्यों ने कितनी सेवाएं कराई। देखिए माँ बदना को और लाडा जी को कितनी कितनी सेवा कराते थे आचार्य तुलसी। उसी तरीके से इनका भी कल्याण करने के लिए दोनों को दीक्षित किया उनकी भावना के अनुरूप, और दोनों मोक्षगामी बने। देवानंदा और ऋषभ दत्त भगवान के 83 दिन माँ बाप रहे, मुक्ति को प्राप्त हुए। महापुरुष के आगमन, महापुरुष का स्पर्श, महापुरुष से नाता जुड़ना कितना बड़ा होता है। आज हम अगर महाश्रमण जी से नाता जोड़ते हैं, उनकी करीबी प्राप्त करते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली धन्य हो जाते हैं। क्यों कि वो तीर्थ संकर के प्रतिनिधि आगे बढ़ते। अब देखिए क्षत्रिय कुंड ग्राम, जहाँ तत्व को समझ कर दामाद जामाली आया, उसका भी कल्याण हो रहा है। जो उनकी पुत्री प्रियदर्शना भी आई, प्रभु सबका कल्याण करने वाले हैं। प्रियदर्शना ने 1000 स्त्रियों के साथ दीक्षा ग्रहण की और जमाली ने 500 क्षत्रिय राजकुमारों के साथ में दीक्षा ग्रहण करी। इस वर्ष का चातुर्मास भगवान का वैशाली में हुआ,
बड़ा बड़ा लाभ हुआ। 1500 दीक्षाएं और माता पिता को मोक्ष भगवान ने भेजा और भगवान ने अपना ऋण उतारा। आगे बढ़ते सर्वज्ञता का तीसरा वर्ष दूसरा चातुर्मास वैशाली में हुआ। उसकी संपन्नता के बाद सर्वज्ञता का तीसरा वर्ष प्रारंभ। भगवान वैशाली चातुर्मास संपन्न कर कौशाम्बी पधारे। कौशाम्बी आज भी है, अगर कोई देखा हो वहां क्या हुआ। प्रभु जहां जाते हैं सबको निहाल करते हैं। वहां पे जयंती राधिका ने भगवान से अनेक प्रश्न पूछ करके और जयंती एक प्रसिद्ध तत्वज्ञ श्राविका बनी। उसने कईयों का उद्धार किया, उसने कईयों को तैयार किया साधु जीवन के लिए, भगवान के चरणों में प्रस्तुत किया और उसने स्वयं ने दीक्षा स्वीकार कर ली। भगवान विचरण कर वाणिज्य ग्राम पधारे। वहां पर क्या बड़ा लाभ हुआ देखिए। हम जैसे छोटे छोटे लाभ प्रत्याख्यान करते हैं, वहां पर बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की उपस्थिति है। गाथा पति आनंद व उसकी पत्नी शिवानंद ने श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए और वही आनंद प्रमुख 10 श्रावकों में प्रमुख हुआ। आनंद उस वक्त का अरबपति था, लेकिन अपने लिए बहुत सीमित वस्तुएं रखता था, क्योंकि वो 12 व्रती थे। भगवान ने चातुर्मास वाणिज्य ग्राम में किया। और सर्वज्ञता का चौथा वर्ष 30 वर्ष का लेखा जोखा, उसमें प्रभु किसको पावन करते हैं, किन पापियों का उद्धार करते हैं, कौन उद्धार पाते हैं, सारा लेखा जोखा आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी भीतर वैराग्य जमाइए, भीतर वैराग्य को प्राप्त कीजिए, मुमुक्षु बनिए, पारमार्थिक शिक्षण संस्था में भर्ती होइए और गुरु चरणों में दीक्षा लीजिए। न ले सके तो 12 व्रती श्रावक बनिए। देखिए वाणिज्य ग्राम चातुर्मास संपन्न करके भगवान राज्य गृह वापस पधारे। धन्नाशाली भद्र, बहुत बड़ी कहानी है, कहने जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। शाली भद्र के लिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति। सुबह कब होती है, शाम कब होती है, उसको पता नहीं कि मेरे धन दौलत कितनी है। उसका भी भगवान ने जो है वह ये साला बहनोई थे धन्ना शाली भद्र। शाली भद्र जो है उसने एक एक करके पत्नियों को छोड़ा और धन्ना ने एक साथ, बड़ा विवरण लंबा है। इन्होंने तत्व को समझ करके दीक्षा ग्रहण की और दोनों साला बहनोई। धन्ना मोक्ष पधारे। देखिए प्रभु कितने करुणाशील है, प्रभु के हाथ से दीक्षा ली और मोक्षगामी हो गए। और शाली भद्र एका भवतारी स्वा सर्वार्थ सिद्धि विमानिक देव बने। 28वां देवलोक, नवग्रही वय का सबसे ऊपरमा देवलोक। 12 देवलोक, उसके बाद में जो हमारे नवग्रही नव और उसके बाद के ये जो देवलोक होकर के जो सारे 28 देवलोक, सबसे ऊपर वाला सर्वार्थ सिद्धि वैमानिक देव बने वो एका भवतारी, एक भाव पूर्ण करके और वो मोक्ष पधारेंगे। वह एक भाव कहाँ होगा, वह भाव होगा सिमंदर स्वामी के पास, क्योंकि यहाँ तो 20 साल के बाद में फिर जम्बू स्वामी आए सुधर्मा स्वामी के बाद और ताले लग गए। अब देखिए सर्वज्ञता का 5वां वर्ष राजगृह चातुर्मास संपन्न कर प्रभु
चंपा पधारे। राजा दत्त वहां का राजा था, उसके पुत्र मैचंद ने दीक्षा ग्रहण की। मैचंद उस समय का बहुत प्रसिद्ध राजकुमार था, वह चंपा का, और उसको दीक्षा दिलाकर उसका कल्याण कर भगवान वहां से सिंध शौवीर पधारे। ये बहुत लंबी यात्रा थी, तो वहां पर इस लंबी यात्रा में प्रभु के साथ कई मुनि थे, उनको भोजन पानी नहीं मिला। प्रभु तो बलिष्ठ थे, प्रभु तीर्थंकर थे, तो वो तो विहार करते रहे। मुनियों का इतना संगीन नहीं था, भोजन पानी के अभाव में सभी स्वर्ग सिधारे, मुनि और शावक स्वर्ग ही जाते हैं। वहां के प्रसिद्ध राजा उदय, कितने कितने प्रसिद्ध राजा दीक्षा ग्रहण करते हैं, प्रभु उनका उद्धार करते हैं, उनमें वैराग्य जगाते हैं, और एक राजा का दीक्षा लेना तो बड़ी महत्व की बात होती है। प्रभु स्वयं राजकुमार को दीक्षा ग्रहण की क्षत्रिय थे, और भगवान ने ये चातुर्मास वाणिज्य ग्राम में किया। अब देखिए, प्रभु का सर्वज्ञता का छठा वर्ष, प्रभु धीरे धीरे मोक्ष की ओर प्रयाण कर रहे हैं और सबका उद्धार कर रहे हैं, पुण्यशाली जीवों का और पापियों का सबका उद्धार करते हैं। प्रभु जब देश ना देता है देते हैं, जब तिर्यंच देवता और मनुष्य सभी वहां पर देश ना सुनते हैं, तिर्यंच भी बहुत से श्रावक होते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन वो भी श्रावक होते हैं। शेर चीता बिल्ली चूहा सभी एक जगह रह करके, और वह उनमें हिंसा के भाव नहीं होते। ये प्रभु का अतिशय है, ये समोषण का अतिशय है। चातुर्मास छठा सर्वज्ञता का वर्ष, चातुर्मास संपन्न करने के बाद भगवान वाराणसी पधारे। अब यूपी में आ गए भगवान, बिहार से यूपी में वाराणसी पधारे। वहां पर जो 10 मुख्य श्रावक है उनका उद्धार होता है, के सूलनी पिता वह उसकी पत्नी श्यामा, सुरादेव वह उसकी पत्नी धन्या ने श्रावक व्रत धर्म स्वीकार किया, 12 व्रत स्वीकार किए, और ये चूलनी पिता और सुरादेव दोनों भगवान के 10 प्रमुख श्रावकों में थे। आप भी शिक्षा लीजिए महाश्रमण जी के, प्रमुख श्रावक बनिए, उनकी दृष्टि की आराधना कीजिए, और अगर आप 60+ के हैं तो आप गुरुदेव जैसा बतावे वैसी वानप्रस्थ जीवन लेकर के समाज सेवा करो। और अभी तो महाश्रमण जी ने एक सुमंगल कार्यक्रम जो साधना का चालू किया है, बहुत ही सुंदर है, उससे भी ऊपर हमारे फरीदाबाद के आपके ही भाई धनराज जी अभी 11वीं प्रतिमा कर रहे हैं। बहुत कठिन है लेकिन अच्छे साधक है वो कर रहे हैं, और गुरु का लाभ उठा करके, गुरु की भक्ति का लाभ उठा कर वो धन्य हो रहे हैं। देखिए अब आगे क्या होता है कि वहां पर एक पुद्गल नाम का परिवारजक साधु सन्यासी रहता था, वह निरंतर बेले बेले तपस्या करता था, आताप ना लेता था। उसे उसको अवधि दर्शन हुआ। अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान में फर्क, अवधि दर्शन जो है विभंग अज्ञान कहलाता है, वह गलत भी हो सकता है। उसको अवधि दर्शन विभंग अज्ञान प्राप्त हुआ, और उसने घोषणा की कि देवों की कम से कम आयु 10,000 वर्ष
और अधिकतम अधिकतम भी अधिकतम 10 सागर है। यह चर्चा गौतम स्वामी गौतम गणधर के पास पहुंची। गौतम को शंका हुई और उसने भगवान से पूछा, नया प्रश्न आया उनके पास में। भगवान ने कहा कि ये सही नहीं है, न्यूनतम उम्र तो 10,000 सागर है, अधिकतम 33 सागरों कम आयु देवों की होती है, उत्कृष्ट उम्र 33 सागर की होती है। यह भगवान ने फरमाया, यह बात वापस उद्गल परिवारजक के कानों तक पहुंची, उसकी शंका का समाधान हुआ। उसको तरना था, प्रभु के पास आया, शंका का समाधान हुआ, दीक्षित हुआ, 11 अंगों का अध्ययन किया और उद्गल सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुआ। देखिए मुख्य बात यह है, ये सारा क्यों सिखाया बताया जा रहा है, आप शिक्षा लो। छोटा ज्ञान हुआ, शंका हुई, विनीत था, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन ऑलरेडी था, प्रभु का स्पर्श मिला, प्रभु की कृपा मिली और वह निर्वाण को प्राप्त हुआ। कितना कितना उपकार हो रहा है, उस उपकारों को बताने के लिए ये हर वर्ष का लेखा जोखा सर्वज्ञता का आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आपको भी वैराग्य जमे, वैराग्य जगे और आपको सम्यक दर्शन सम्यक तो प्राप्त हो, आप पारावृत्ति श्रावक बने और आप धर्म की आराधना की ओर मुड़े। सर्वज्ञता का 7वां वर्ष, प्रभु ने पहला उसके पूर्व चातुर्मास राजगृह में किया था, वो राजगृह चातुर्मास संपन्न करके भगवान वहीं राजगृह में विराजे। 2 चातुर्मास लगातार किए, क्योंकि प्रभु को लोक कल्याण करना था, आशातीत लाभ हुआ, इसलिए 2 लगातार चातुर्मास किए कि राजगृह नगरी के प्रतिष्ठित नागरिक श्रेणिक जो राजा प्रसिद्ध राजा है और वो बार बार वो प्रश्न करता है भगवान से, और अब 7वीं नारकी में है और अगले 24 तीर्थंकरों में श्रेणी का जीव भी एक तीर्थंकर बनेगा। उन्हीं श्रेणिक राजा के जाली मयाली 23 बेटे थे। पुराने जमाने में राजाओं के कई रानियां होती थी, तो 23 पुत्रों और नंदा और नंदमती 13 रानियों और 23 पुत्रों ने प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण की। ये लाभ देने के लिए प्रभु ने दूसरी बार चातुर्मास राजगृह में किया। प्रभु के हर प्रवचन के बाद लोग दीक्षित होते गए, श्रावक बनते गए, महाव्रती बनते गए, अनुव्रती बनते गए, प्रभु का कोई प्रवचन खाली नहीं गया। इसीलिए ये सर्वज्ञता के वर्ष बताए जाते हैं, क्योंकि प्रभु केवल ज्ञान से पूर्व मौन रहते हैं, वो भी ज्ञान हासिल करने के लिए ज्ञानशाला में रहते हैं, इसीलिए नहीं बोलते। और जब ज्ञानशाला का 12.5 वर्ष का पीरियड संपन्न होता, केवली होते हैं, तभी वो समोशरण बनाते हैं और लोगों का भला करते हैं। आप देखिए मुनि आद्रक ने 500 मुनि आद्रक तो बाद में राम रखा गया, वो चोरों का सरदार था आद्रक, 500 चोरों के साथ में वो आद्रक ने दीक्षा ली और मुनि आद्रक बने प्रभु का प्रवचन सुन करके। 500 चोर बदल गए, ये प्रभु का अतिशय है, प्रभु की वाणी का प्रभाव है,
और इस वर्ष चातुर्मास प्रभु ने राजगृह में किया जैसा बताया गया, और सर्वज्ञता का आठवां वर्ष राजगृह वर्षावास संपन्न कर भगवान पुनः कौशाम्बी पधारे। ये सब स्थान आज भी मौजूद है, ये तीर्थ स्थान है, वहां जाकर के पूरा चित्र लेकर के दौरा करना चाहिए। महाप्रभु के अवशेष प्रभु की वाणी आज भी हो रही है, और आज हमारे वैज्ञानिक इन स्थानों पर घूम रहे हैं। 2500 वर्ष की जो वाणी है वह इन वैज्ञानिकों ने कैद कर ली है, अभी पूरी स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं आई है, पर ऐसा बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने बिहार के क्षेत्रों में घूम करके प्रभु की वाणी को जो है वह उन्होंने टेप रिकॉर्डर में इकट्ठा किया है, सेव किया है। अब देखिए क्या होता है वहां। उज्जैनी के राजा चंद प्रद्योत बहुत पावरफुल था, उसने कौशाम्बी नगरी जहां पर प्रभु का चातुर्मास, उस नगरी को घेर लिया, क्योंकि वहां की रानी मृगावती थी, उसका पुत्र उदयन नाबालिग था, चंद प्रद्योत उस पर मुग्ध था, वह उससे सीधा विवाह नहीं कराना था, मृगावती चाहती थी, पूरा इसका दृष्टांत है। तो उसने युद्ध किया और वो प्रभु चरणों में मृगावती आ गई, और प्रभु चरणों में चंद प्रद्योत भी आया हुआ था, प्रभु की देशना सुनने के लिए मृगावती ने खड़े होकर के निवेदन किया कि मेरे नाबालिग पुत्र उदयन को चंद प्रद्योत के संरक्षकता में छोड़ करके प्रभु मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे दीक्षित करो, और भगवान से निवेदन किया। नाबालिग पुत्र उदयन को चंड बात मैंने बताई, इच्छा जाहिर की, चंड प्रद्योत प्रभु का भक्त था, न चाहते हुए भी उसने परमिशन दी, दीक्षा की, और उसकी मुग्धता समाप्त हुई, उसकी मूर्ता समाप्त हुई, उसको भी वैराग्य हुआ, और इसके साथ साथ चंड प्रद्योत की आठ रानियां अंगारवती आदि ने भी दीक्षा की अनुमति चंड प्रद्योत ने मानी, और सभी दीक्षित हुए, और सभी को बहुत लाभ हुआ। कौशाम्बी से बिहार कर भगवान वैशाली चातुर्मास पधारे, सर्वज्ञ कथा का ये आठवां वर्ष मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। अठपौरिया पौरिया पोषद लेने वाले भाई है, बहन है, वो कृपया आगे आ जाइए, और छपौरिया पोषद का प्रत्याख्यान कीजिए। ये जब आपने जो है पानी दिया था क्या सुबह दिया, चलो पानी जिसने नहीं किया उसका 11वां पोषद व्रत है, और जिसने पानी किया उसका 10वां पोषद व्रत होता है। प्रत्याख्यान 11वां 10वां के हिसाब से मैं पोषद का प्रत्याख्यान करवा रहा हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की कृपा से समय का आप ध्यान रखें, जिस समय ले रहे हैं उसी से भी कल इस समय का पालना है। एकारस्मंग ओसो वास वयन असन पान खाइम साइम पचक खाणम अभंग पचक खाणम उम्मुख मणि सुवर्णाई पचक खाणम माला वणग्य विलेवनाई पचक खाणम सप्त मूतलाई जोग पचक खाणम जाग अहोरत पजु स्वामी दुभ्यंग त्रिवेणंग न करेणी न कारवेणी मनसा वायसा कायसा सस्त भंते परिकमामी निंदामी गृहामी अपान कोशिरामी। कल आपके इसी समय तक जो छप और ये पोषण का सभी के प्रत्याख्यान, हाँ सॉरी सूर्योदय तक आपके छप और औषध का प्रत्याख्यान है,
याद है। अच्छा करना आपको और किसी के झपौरिया पोषक पचकना हो तो कृपया आगे पधार जावे, पोषक पोषक पचक ले। गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव की कृपा से एकारस्मंग पोषो वात वयं पतन पान खाइन साइन पचकानम अबंब पचकानम उमुक मणि सुवर्णाय पचकानम माला वनक विलेवणाय पचकानम सप्त मूतलाई सावत जोगम पचकानम जाव अहो रक्तम पजुआसान दुभ्यं किभ्यं न करेमि न कारवेन मनसा वैसा कायसा सप्त भंते परिग्मानि निंदानि गृहामि अपानं पोषिरामि कल सूर्योदय तक आपके छह पौरी पोषक का दान अनुदान याद है। मुख्यमंत्री का ये प्रोग्राम हमारे तेरापंथ भवन में सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे जानवान उपासक जी अपनी अमृत वाणी से भगवान महावीर के बारे में सरलता से बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं। आप यथास्थिति बना के रखें, क्योंकि अभी आगे कुछ वक्तव्य भी आएंगे और गीतिका भी आएगी, इसलिए आपके साथ अनुरोध घर न जाकर आज भवन पर जाना रखना है। अब मेरा सादर अनुरोध श्रीमती संपत देवी दे दिया जिनकी आज अठाई है, वो गीतिका करना चाहते हैं। स्वयं के अठाई आपके स्वयं के अठाई है गीति का गा रहे हैं तो ओम आराम। भगवन कालू